थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो के अंदर तुम्हारे भाई ने उसे स्लो मोशन में देख लिया, यानी कि 0.25 की स्पीड में देख लिया है। और इस वीडियो के अंदर तुम लोग को मिलेगा ब्रेक डाउन और हाँ रिव्यू भी मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेलर बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा बुरा है। क्यों बुरा है मैंने लास्ट में बात किया है, तो ध्यान से देख लेना। और चलो बिना टाइम गवाए थॉर को नंगा करके देखते हैं यह ट्रेलर। ट्रेलर के शुरुआत में दिखाया जाता है थॉर को जो कि मेडिटेट कर रहा है, और पीछे से दो बंदा या बंदी कह सकते हो, मतलब एक बंदा होता है और एक बंदी जा रहा होता है, और ये हो सकता है कि वैल्कायरी और साथ ही साथ कॉर्क को, लेकिन यहाँ पे आगे देखा जाएगा। साथ ही साथ यदि यहाँ पे देखोगे जो कॉर्क बैठ के कहानी सुना रहा होता है एलियंस को, और पीछे का बैकग्राउंड देखोगे तो थॉर जहाँ पे मेडिटेट कर रहा था वही देखने को मिलेगा, और वो देख सकते हो ट्री देखने को मिल रहा है जहाँ पे थॉर बैठ के मेडिटेट कर रहा था, और ये दूसरा ही कोई प्लेनेट है या हो सकता है ये सकार ही हो, कि ये जो एलियंस है हो सकता है कि सकार का ही हो। अब यदि हम यहाँ पे ट्रेलर का आगे में चले गए तो ट्रेलर का आगे में दिखाया जाता है कि भाई साहब यहाँ पे थॉर बिल्कुल ही रेडी हो रहा है फाइट के लिए, और वहीं पे तुम लोग को देखने को मिल रहा है नेब्यूला और क्विटर पिल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्रूट भी है और रॉकेट भी है, मतलब पूरा गार्डियंस के साथ साथ थॉर भी है, और यहाँ पे जिस तरह से तबाही हुआ है तो ये सब बहुत ही ज्यादा ब्रूटली यहाँ पे मारा पीटा गया होगा, क्योंकि देख सकते हो कुछ बंदे यहाँ पे मरे हुए हैं या कह सकते हो यहाँ पे बेहोश पड़े हुए, और वहाँ पे थॉर सबसे आगे जाता है, बोलता है कि भाई तू कौन है, आधा मई तेरे को पेलेगा, और वो सीधा आगे जाके खड़ा हो जाता है। ये हो सकता है सकार है, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ ये जो एलियन है सकार का ही हो सकता है। अब यहाँ देख सकते हो कुछ लेजर टाइप का किसी ने शूट किया था, और तभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है हमारा थॉर पूरी तरह से अपना यहाँ पे कह सकते हो गॉड मोड में, और यहाँ पे गॉड मोड वो जैसे आता है तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये वाला सीन जहाँ पे दिखाया जाता है पूरे गार्डियंस के साथ थॉर है, लेकिन थॉर यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं, उसको अपना ही करना है। और उसके बाद हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है न्यू एस्गार्ड, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स लगे हुए हैं जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे घूमने के लिए आए, भाई थॉर का घर है तो कोई भी घूमने के लिए आएगा और कोई भी चाहेगा, लेकिन वहीं पे बात करोगे तो थॉर का ये वाला जो शिप देख सकते हो जो कि हमें एस्गार्ड में देखने को मिला था वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सकार में एक बार और ट्रांसफॉर्म होता है अपने गॉड मोड में, लेकिन यहाँ पे दो चीज नोटिस करने वाला है। पहला बात, यहाँ पे बकरी जो है तूद नेसर और तूद ग्राइंडर, ये दोनों जो बकरी है यहाँ पे वो यहाँ पे पकड़ के रखा है कॉर्क ने, और वहीं पे एक ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, ये देख सकते हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा यहाँ पे थॉर हो, यहाँ पे दो थॉर भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसको अभी तक हमने नहीं देखा और सरप्राइज के लिए यहाँ पे रखा गया। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेटा रिवील है, और बेटा रिवील के बारे में पता नहीं है, तो वो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है और उसने थॉर को भी पेल के रखा है, म्योनीर को भी उठा के रखा है, तो वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये सिंपली सकार है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि थॉर यहाँ पे जो अपना कसरत वसरत कर रहा है वो दिखाया जाता है, और उसके बाद ये वाला सीन दिखाया जाता है। और ये वाला सीन तुमने यदि ध्यान से देखा होगा तो भाई ये सीन पूरी तरह से इंस्पायर है एक चीज से जो कि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और ये जो सीन है साफ साफ कॉपी है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से, और उसके अंदर भी सुपरमैन ऐसे ही चेन पकड़ के सिर्फ खींच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार लॉर्ड का जो यहाँ पे सिप है उसको खींच रहा होता है थॉर, तो ये भी बहुत ज्यादा कूल है। उसके बाद हमें न्यू एस्गार्ड दिखाया जाता है, या तो हो सकता है ये किसी जगह पे फाइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से भाला बर्छी यहाँ पे यूज हो रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है ये न्यू एस्गार्ड है, न्यू एस्गार्ड में फाइट हो रहा है। और तभी यहाँ पे थॉर पे कुछ विलन्स भारी पड़ रहे हैं, और तभी वहाँ पे एक थॉर का एंट्री होता है, या क्या सकते एक और थॉर का एंट्री होता है जो कि फेंकता है अपना जो म्योनीर है उसको सामने की तरफ, और जैसे म्योनीर को थॉर देखता है तो उसको विल्ड करने का या क्या सकते उसको लेने का अपने हाथ में ट्राई करता है, लेकिन जैसे ट्राई करता है वो ऑलमोस्ट हाथ में आ ही चुका होता है, लेकिन तभी जो हमारी माइटी थॉर है जेन फोस्टर का वो आ जाती है और वो अपने तरफ उसको खींच लेती है। जैसे वो खींचती है उसके बाद ट्रेलर का ये वाला सीन कट हो जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई ये सबसे पहला एंट्री है जेन का, क्योंकि थॉर यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक है, और उसके बाद यहाँ पे थॉर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये यहाँ पे जेन है। उसके बाद ये वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थॉर ने भी अपना हेलमेट पहन के रख लिया। अब तुमको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो थॉर यहाँ पे बिल्कुल ही सह नहीं सकता कि उससे अच्छा कोई दिखे। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, यहाँ पे जो फाइट हो रहा है यहाँ पे दो थॉर है, या तो जो थॉर है हमारा है वो जैसे जेन को देखा होगा कि वो भी हेलमेट पहन के रखी हुई है और वो भी थॉर है, तो इसने भी अपना थॉर को यहाँ पे बिल्ड कर लिया होगा, और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ जिस हिसाब से थॉर शॉक है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये पहला सीन है जहाँ पे माइटी थॉर का यहाँ पे कह सकते हो एंट्री होगा। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ये वाला, यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि थॉर अपने पूरे सूट अप के अंदर है, और ये मुझे जहां तक लगता है कि दूसरा थॉर हो सकता है, क्योंकि यहीं पे जो फाइट हुआ था तो यहाँ पे जो थॉर था उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, अपना नॉर्मल आर्मर के अंदर था, लेकिन ये वाला थॉर पूरी तरफ से कह सकते हो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक बिल्ड हुआ है, कह सकते हो पूरी यहाँ पे आर्मर में। के बाद मार्बल का लोगो दिखाया जाता है जो कि फिर से बदल चुका है, और देख सकते हो मतलब लाइटें वाइटें जल रहे, मतलब खुशहाली हो रहा है। लोगो के बाद ही हमें दिखाया जाता है वाल्कायरी जो कि कहीं पे उड़ के जा रही है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है थॉर और कॉर्क किसी चीज का वेट कर रहा है, और थॉर यहाँ पे कॉर्क को समझाता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मुझे जहां तक लगता है ये न्यू एस्गार्डी है जहाँ पे बहुत कोई आया है। और उसी के बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंने स्लो मोशन में देखा तो मुझे कुछ देखने को मिला है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कौन है तुमको तो पता ही चल गया होगा, ये है वॉचर जिसके बारे में तुमको पता होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक और स्टैचू है जो कि है
लिविंग ट्रिब्यूनल का, ये मार्वल स्टूडियो का सबसे पावरफुल कह सकते हो बीइंग में से एक है ये दोनों, तो इसका स्टैचू है। तो मुझे जहां तक लगता है ये हो सकता है कुछ ऐसा जगह है जहां पे माइटी थॉर कुछ लेने के लिए गई है, और यहां पे और भी स्टैचू देखने को मिलता है लेकिन उसको मैं यहां पे नोटिस नहीं कर पाया कौन है, लेकिन हां यहां पे दो स्टैचू मैंने बता दिया कि कौन सा है, और ये स्लो मोशन में देखोगे तभी पता चलेगा लिविंग ट्रिब्यूनल के बारे में। और उसके बाद हमें थॉर को दिखाया जाता है और जेन को दिखाया जाता है, जहां पे थॉर बोलता है कि हमारा कितना दिन हो गया यहां पे, 8 साल कितने दिन हो गया हमारे बिछड़े हुए। यहां पे जेन बिल्कुल भी शॉक हो जाती है और वो बोलते हैं कि आहा ये भी अभी भी मेरे से प्यार करता है। उसके बाद जेन भी खुश हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सीन जहां पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एक लाइट बीम उड़ता हुआ जा रहा है यहां पे ओलंपस के तरफ, लेकिन इस लाइट बीम में बैठा हुआ है थॉर और उसी के बाद दूध ग्राइंडर और दूध नेसर जो उसका बकरी है, यदि नाम गलत ले रहा हो तो उसके लिए सॉरी, वो बैठा मतलब वो उसको खींच रहा है, और साथ ही साथ जेन फॉस्टर कॉर्क और यहां पे वल्काइरी, ये यहां पे चारों इसमें बैठ के आ रहे ओलंपस। और यहां पे ये लाइट बीम क्यों दिख रहा है वो बता देता हूं। तो यहां पे पावर यूज किया गया है जो बाइफ्रॉस्ट है उसका पावर यूज किया गया है स्टॉर्म ब्रेकर के द्वारा, दैट्स व्हाई यहां पे रे दिखा जा रहा है। उसके बाद थॉर को दिखाया जाता है सकार के ऊपर इस ट्रेलर के अंदर ही, और सकार पे ये बैठ के मतलब बिल्कुल ही चिल हो रहा है, और वहीं पे सकार पे लेने के लिए आया है वल्काइरी। अब यहां पे समझ में आया कुछ खतरा आया होगा जहां पे वल्काइरी को पता चला होगा कि थॉर का जरूरत है, तो थॉर को लेने के लिए वल्काइरी आया होगा सकार और यहां से सकार से ले गया होगा। उसके बाद दिखाया जाता है ये सीन, और ये सीन देखने के बाद मेरी फट के 64 होने वाली थी, लेकिन जैसे मैंने लुक देखा गॉड द गॉड बुचर का, मैं बोल रहा था कि भाई ये क्या टट्टी बना दिया। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इतना अच्छा तो गॉड द गॉड बुचर लग रहा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो हाँ भाई, गॉड द गॉड बुचर का लुक बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्रिश्चियन बेल ने बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग भी किया है, लेकिन गॉड द गॉड बुचर ये देखो कॉमिक के अंदर कुछ इस टाइप का दिखता है जो कि बहुत ज्यादा डेडली बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता है, लेकिन ये भाई उतना खतरनाक नहीं दिखता थॉर के सामने, तो मुझे ये कमजोर ही लग रहा है। उसी के बाद दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का सिम्बायोट की तरह कुछ देखने को मिल रहा है, और ये सच में सिम्बायोट ही है क्योंकि जो भी नेक्रोसॉर्ड को विल करेगा, जो इसके पास सॉर्ड दिखाया गया है, तो जो भी उसको विल करेगा उसके पास सिम्बायोट का पावर आ जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे उसके पास भी सिम्बायोट का पावर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये वाला गॉड को जिसको मारा है गॉड द गॉड बुचर, जो कि थॉर का दोस्त है, और कॉर्क और थॉर यहाँ पे आके देख रहा था और बोला होगा कि भाई इसको किसने पेला। उसके बाद यहाँ पे और से जैसा कुछ प्लैनेट दिखाया जाता है जहां पे देख सकते हो गॉड द गॉड बुचर बिल्कुल नॉर्मल लुक में है, तो हो सकता है ये शुरुआत का सीन हो जहां पे खाना पीना मिल रहा होगा इसके अर्थ के ऊपर या क्या सकते हो इसके प्लैनेट के ऊपर, लेकिन बाद में ये यहां से बदल गया होगा क्योंकि भाई यहां पे वो इतना डेडली नहीं दिख रहा ताकि पहले देखने को मिला था। तो यहां पे यदि गॉड द गॉड बुचर का तुम लोग को वो चाहिए पूरा कि वो कैसे यहां पे विलन बना, तो मुझे कमेंट करना, मैं यहां पे बता दूंगा। उसके बाद सीन में वही यहां पे दिखाया जाता है जहां पे वो गॉड मरा हुआ है, और उसके बाद दिखाया जाता है कि टूथ ग्राइंडर और टूथ नेसर पे यहां पे बैठ के मतलब उसके सिप पे बैठ के यहां पे बायफ्रॉस्ट को यूज करके फुल स्पीड में थॉर उड़ता हुआ फिर से ओलंपस ही एंट्री लेता है। के बाद इन दोनों का एंट्री दिखाया जाता है ओलंपस के ग्राउंड में या हॉल में, जैसे हॉल में आता है तो यहां पे भाई ये चीज देख के मेरी बहुत ज्यादा अच्छा मतलब लगा और फट भी गया। यहां पे देख सकते हो जेन फॉस्टर जो अपना म्योनीर को यूज करती है, तो वो देख सकते हो म्योनीर जुड़ा हुआ है अपने पावर के मदद से, और यहां पे जेन फॉस्टर ने लिटरली म्योनीर के जितने भी टुकड़े हैं उन सबको फेंक के मारा है अलग अलग यहां पे बंदे पे, और देख सकते हो सारे ही यहां पे जो टुकड़े हैं अलग अलग बंदे पे लगा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का बात है। और ये देख के थॉर का भी फट गया होगा क्योंकि भाई उसको भी पता नहीं है कि म्योनीर को भाई साहब ऐसे भी यूज किया जा सकता है, और मुझे ये देख के अच्छा लगा। उसके बाद गॉड द गॉड बुचर को दिखाया जाता है जो कि अपने नेक्रोसॉर्ड लेके सीधा मारता है एक प्लैनेट के अंदर, या प्लैनेट कह सकते हो या मून कह सकते हो, एक मून पे मारता है जो कि पूरा मून या प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे ये पता चल जाता है कि नेक्रोसॉर्ड के साथ और अपने पावर के साथ गॉड द गॉड बुचर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसी के बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहां पे माइटी थॉर और साथ ही साथ कॉर्क और वल्काइरी जा रहा होता है ओलंपस के अंदर ज्यूस के पास। उसी के बाद हमें ज्यूस को भी दिखाया जाता है, और उसी के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां पे थॉर और गॉड द गॉड बुचर का यहां पे क्या सकते हो 1v1 दिखाया जाता है। उससे पहले वल्काइरी और यहां पे गॉड द गॉड बुचर का भी यहां पे दिखाया जाता है फाइट, लेकिन यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो गॉड द गॉड बुचर और वल्काइरी जो लड़ रही है, तो वल्काइरी के पास ज्यूस का जो थंडर बोल्ट है वो है, और ये कैसे मैं बता देता हूं। तो वल्काइरी जब गई होंगी ज्यूस के पास, थॉर वल्काइरी और साथ ही साथ कॉर्क और यहां पे माइटी थॉर जो गया होगा, तो वहां पे ज्यूस को हरा के या तो ज्यूस को खुश करके वल्काइरी ने लिया होगा ये शॉट, क्योंकि उसको बोला होगा कि भाई देखो यहां पे बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है तो हमें तुम्हारा पावर चाहिए। तो ज्यूस ने लड़ने से मना कर दिया होगा और ये पावर दे दिया होगा वल्काइरी को, और वल्काइरी ने उसी पावर को यूज करके यहां पे यूज किया होगा। और तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यहां पे क्यों बंदी बनाया गया था थॉर को और जितने भी यहां पे कह सकते हो, तो वो कारण ये था क्योंकि उसने ज्यूस के जो यहां पे महल में एंट्री लिया था वो उसके महल को तोड़ के लिया था, जो कि ज्यूस को अच्छा नहीं लगा होगा। और उसी के साथ देख सकते हो यहां पे देख सकते हो ब्लू कलर के कपड़े में थॉर लड़ रहा है एक बोल्ट से, और ये देख के मुझे लगा जो वंडर वुमन का वैसा ही लगा, लेकिन हां ये कुछ कह सकते हो बोल्ट टाइप का है ज्यूस
जूस का, उसको लेके यहाँ पे थॉर लड़ रहा है, और ये क्यों लड़ रहा है इस ड्रेस में वो भी आगे पता तुम लोग को चल जाएगा। और उसी के बाद गॉड द गॉड बुचर को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ना, यदि तुम गॉड द गॉड बुचर को ध्यान से देखोगे, स्लो मोशन में देखोगे, तभी ये तुम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि गॉड द गॉड बुचर उससे बात कर रहा है, लेकिन ये कैरेक्टर मैंने बहुत ज्यादा देखने का कोशिश किया, एचडी में देखा, सब कुछ करके देख लिया, स्लो से स्लो मोशन करके देख लिया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे जहां तक मुझे पता चला कि जब यहाँ पे शुरुआत होता है, जब यहाँ पे गॉड मर रहा होता है, दो गॉड का फाइट होता है, और जहां से पावर मिलता है गॉड द गॉड बुचर का, तो वो ब्लैक कलर का एक गॉड होता है, और वही गॉड मुझे ये लग रहा है। और उसी गॉड को यहाँ पे हेल्प करने के लिए जब वो हेल्प मांग रहा होगा गॉड, तो वहां पे गॉड द गॉड बुचर गया होगा, और वहां पे हेल्प करने की जगह उसको स्टैब कर दिया होगा, या मतलब क्या सकते हो छुड़ा, या जो भी डैगर वैगर होगा या नेक्रोसॉर्ड होगा वो मार दिया होगा। और क्योंकि फेशियल रिएक्शन से देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो जैसे उसका फेस बना हुआ है, जिससे यही लग रहा है तो अपने हाथों में कुछ पकड़ के किसी को स्टैब किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो वो जो यहाँ पे ताकत लगता है किसी को यहाँ पे मारने में, या किसी के सीने में या पेट में भोंकने में, कुछ वैसा यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। ये किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हाँ मैंने तुम लोग को बता दिया। उसी के बाद यहाँ पे सकार का वही वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थॉट बिल्कुल ही पावरफुल रूप में आता है, वहां पे दिखाया जाता है नेबुला को, और साथ ही साथ यहाँ पे ड्रैक्स को। और यहाँ पे देख सकते हो नेबुला का थोड़ा सा यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो मुझे ऑफ लग रहा है, क्योंकि भाई मतलब ऐसी तो नहीं थी। उसके बाद दिखाया जाता है थॉर और जेन फॉस्टर का यहाँ पे बिल्कुल मिला, और उसी के बाद दिखाया जाता है यहाँ पे गॉड द गॉड विचर और थॉर का। और थॉर और गॉड द गॉड विचर बोलता है कि भाई देख आजा अब 1v1 करते हैं, तेरे को यदि दम है तो सीधा 1v1 करते हैं, क्योंकि तेरे अंदर दम है तो मेरे को मार के दिखा। और उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले बोला था कि मैंने स्टैच्यू नोटिस नहीं किया था, यहाँ पे देख सकते हो लिविंग ट्राइब्यूनल है, उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो वॉचर है, उसके बाद यहाँ देख सकते हो ये डेथ का यहाँ पे कह सकते हो स्टैच्यू है, और उसके बाद ये जो दो स्टैच्यू है मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज यदि किसी को समझ में आ रहा तो बता देना, लेकिन ये तीन स्टैच्यू तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ देख सकते हो ये डेथ है, वही डेथ जिसके लिए थैनोस और डेडपूल लड़ रहा होता है कॉमिक के अंदर, ये भी एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, तो इसके बारे में भी कॉमिक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन हाँ मेरे को इसके बारे में पता है। तो ये डेथ का स्टैच्यू है, और उसके बाद ये जो दो कैरेक्टर है मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कोई ऐसा कैरेक्टर जिसका स्टैच्यू, और ये कौन सा बिल्डिंग है ये भी मेरे को पता नहीं चला है, तो ये हो सकता है गॉड जहाँ पे रहते हैं वो वाला बिल्डिंग हो। बाद हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है ओलंपस पे, यहाँ देख सकते हो ज्यूस पकड़ के रखता है थॉर को, और यहाँ पे थॉर को पकड़ के रखता है और बोलता है कि भैया तुम किस खेत की मूली हो हमें भी बताओ। और यहाँ पे ज्यूस ब्लो करने का कोशिश करता है सर के ऊपर से, वो ऊपर से यहाँ पे टोपी उड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर देता है, जिसके कारण से पूरा थॉर ही नंगा हो जाता है। और यहाँ पे जब थॉर पूरा नंगा हो जाते थे, जितने भी आजू बाजू लोग होते हैं सबके सब यहाँ पे सरप्राइज होते हैं, सरप्राइज होने के साथ साथ वल्कैरी और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे उसके दोस्त आए थे कॉर्क वगैरह, सारे के सारे सरप्राइज हो जाते हैं। बाद एक और सीन दिखाया जाता है, ये वाला सीन वही सकार प्लैनेट का है, जहाँ पे थॉर अपने हाथ में लेता है स्टॉर्म ब्रेकर और कूदता है सीधा एलियन शिप के ऊपर और फाड़ देता है। और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, हाँ कीप वॉचिंग, बाय।